नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद हापुड़ में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप की अध्यक्षता में दर्जनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबूगढ़ थाना पहुंचकर एक तहरीर देते हुए अमरोहा में तैनात चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। हमारे संवाददाता दीपक कश्यप से बात करते हुए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने कहा कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। एक पढ़े लिखे अधिकारी को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना उसकी मानसिकता को दर्शाता है। दिया है किस चीज को लेकर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में जो थाना है इसमें ज्ञापन दिया, किस चीज को लेकर दिया ज्ञापन? नहीं, मुकदमा दायर करा। देखिए, ज्ञापन नहीं है ये, हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को, एक नितिन चौहान है जो जिला में चकबंदी अधिकारी एसओसी है, चकबंदी अधिकारी है बंदोबस्त के, जनपद अमरोहा में तैनात है, जिन्होंने आज उनको उन पर अभद्र टिप्पणी की है और उन्होंने गंदी गंदी गालियां देकर संबोधन किया है और वहां के लोकल किसानों को भी गालियां देने का उस व्यक्ति ने काम किया है। इसी बात को लेकर आज हमको जब ये हमने देखा तो हमें काफी गहरे हम दुख हुआ और काफी हम हताश हुए और मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार अधिकारी को, पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसे शब्दों को का उच्चारण करना शोभा नहीं देता है। और यदि कोई हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, आदरणीय हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम लोगों की मांग है, हमारे साथ में हमारे समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाई सुबोध नागर जी भी हैं, संजय उपाध्यक्ष भी हैं, संजय यादव जी भी हैं, गौरव चौधरी हैं, गौरव गोयल हैं, रविंद्र यादव हैं, तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी कोरोना के चलते हम लोग यहाँ ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, क्योंकि जिले के अंदर पूरे समाजवादी पार्टी के अंदर काफ़ी गहरा आक्रोश है और अगर हम लोगों की मांगे हैं कि अगर उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया गया, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई नहीं की गई, तो समाजवादी लोग और मेरे कसम निषाद समाज के लोग थाने से लेकर सड़कों पर तक उतरने का काम करेंगे। ये हम लोगों की मांग है कि उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो और उसके आरोपी को जेल भेजा जाए और उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जो भारत और चीन का जो विवाद चल रहा है, जो एक निंदनीय घटना घटी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, इस बात के विषय में मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात आज नहीं बनती है, क्योंकि आज लोग हम अपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन ये अपने देश के लिए एक देश का सवाल है। इसके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती ज्यादा है और करती कम है, उसकी करनी और कथनी में आप लोग स्वयं ही जानते हैं। मैं आप ही लोगों से सवाल कर ले रहा हूं इस बात के ऊपर कि जो लोग देश की जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग देश के चौथे स्तंभ पत्रकार, जो जमीन पर खड़ा पत्रकार जो खबर ले रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वो चीन से कैसे लड़ेंगे? जो लोग कल तक चीन की चीजों का उपयोग कर रहे हैं, चीन से यारी कर रहे हैं, वो लोग मैं समझता हूं कि देश को किस तरीके से न्याय दिलाएंगे? आप लोग हमसे भली भांति जानते हैं। और जहां तक की बात कोरोना महामारी की है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के विषय में, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब उनको जानकारी थी कि नवंबर माह 2019 में हमारे भारत के अंदर केरला प्रदेश में एक कोरोना मरीज पाया जाता है, तो उस समय भारत सरकार को देखना नहीं था क्या? भारत सरकार की उस समय आंखें और उसकी नींद नहीं खुली थी कि भारत के अलावा चीन जैसे, जर्मन जैसे, इटली से ऐसे अन्य देशों में बहुत गंभीर महामारी फैल रही है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था? लेकिन उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, देश की जनता दिखाई नहीं दे रही थी, उनको दिखाई दे रहा था दिसंबर माह का नमस्ते ट्रंप करने का, उन्होंने नमस्ते ट्रंप करने का काम किया, देश की जनता को महामारी कोरोना जैसी बीमारी से जूझने के लिए प्रेरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी मेरा आपसे कहना है आपके माध्यम से, कि अगर इस तरीके की बात थी जब उनको नवंबर माह में पता चल गया था और आज उनको देश को लॉकडाउन करने की और गांव गलियों को लॉकडाउन करने की, किसान मजदूर को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो लोग पहले ही नवंबर माह में भारत की इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक देते या उनको क्वारंटाइन नहीं करा देते, भारत की सीमाओं को सील कर देते, तो मैं समझता हूं कि आज गरीब किसान मजदूर प्रवासी
भुखमरी के कागार पर नहीं होता, देश भुखमरी के कागार पर नहीं होता। वो माताएं और बहनें, वो बच्चे जो हजारों किलोमीटर से पैदल सूटकेस में बच्चों को लिटा लिटा कर लेकर जा रहे हैं, जो माताएं भूखे प्यासे अपने परिवारों को जैसे तैसे लेकर जा रहे हैं, वो आज महामारी नहीं होती। इतनी इतनी भयंकर आपदा देश में नहीं आती जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाने का काम किया है। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी जहां सरकार में तत्काल प्रभाव से अधिकारी नितिन चौहान को बर्खास्त करने की मांग करती है, तो वहीं वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी मांग करती है। और अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता थाने से सड़कों तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मैं जो चकबंदी अधिकारी है अमरोहा के अंदर, और अदर्स हमारे जिले में भी कोई ऐसे अधिकारी हैं जो एक तरफा भाजपा के कहने में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों की गाली बक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं ऐसे लोगों को। सरकार आती जाती रहती है और समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठा लिया है। हमारे अध्यक्ष श्री सुबोध नागर जी ने और हमारे मंत्री जी ने बीड़ा उठा लिया है। जब तक इसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा, अगर मुकदमा कायम नहीं हुआ जेल नहीं गया, समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरने का काम करेगी। समाज उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि जहां न किसान सुरक्षित है न गरीब सुरक्षित है, और तो प्रदेश और देश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों पर जहां निरंतर हमले हो रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब किसान को, जनता को, गरीबों को भूखा मरने के कगार पर भाजपा सरकार ने खड़ा कर दिया है। सर आज एक ज्ञापन दिया है, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है और क्या है इसका पूरा मामला? देखिए आज जिस तरीके से अभी चंद दिनों पहले अमरोहा जिले के चकबंदी अधिकारी ने माननीय नेताजी के बारे में, माननीय रामगोपाल जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें उल्टी सीधी इस तरह गालियां दिए, मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। जब तक ऐसे दुष्ट प्राणी के खिलाफ हम लोग मुकदमा लिखवाने के लिए तहरीर देने आए हैं, तहरीर हम लोगों ने दी है, हमारे नेता साथी सब हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप जी साथ हैं और जिले के हमारे अन्य नेता सब साथ हैं, तो हम लोगों का यही कहना जब तक उसकी ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे, अगर उसके प्रति जल्दी से जल्दी सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी लोग भरपूर आंदोलन करेंगे, थाने से लेकर सड़कों तक जाने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ सजा दिलानी हम लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने।